अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दावत अल अजीज विद सुल्ताना। आज हम बनाते हैं गवार प्रॉन्स फ्राई। ये कोंकण साइड का डिश है जो ड्राई फ्राई बनता है, रोटी आप चावल के साथ सर्व कर सकते हो। चलिए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम गवार फली को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये कोस्टल साइड के लोग प्रिपेयर करते हैं, जो फिश लवर्स हैं, प्रॉन्स लवर्स हैं, प्लीज ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी रहता है। आप इसको एज आई सेड रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही इजी डिश है, ज्यादा कोई मसाले नहीं गिरते हैं, नॉर्मल मसाले ही रहते हैं, बट बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें हम 1 स्पून ऑयल डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। इसको 2 या 3 मिनट तक हमको अच्छे से भूनना है। अब देख सकते हो ये भून चुका है। इसको भूनने का रीजन यही है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं अब निकाल देती हूँ। इसमें मैं अभी 2 स्पून ऑयल डाल देती हूँ, थोड़ी सी करी लीव्स, थोड़ा सा स्मैश किया हुआ गार्लिक, साथ ही हम डालेंगे ऑनियन फाइनली चॉप, ये 1 ऑनियन है मीडियम साइज। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम भून लेते हैं। आप देख सकते हो ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं टोमेटो, फाइनली चॉप टोमेटो। टोमेटो थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसके साथ साथ हम डालते हैं प्रॉन्स। इसको ढक के हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। देख सकते हो आप, प्रॉन्स और टोमेटो सारे पक गए हैं। अभी हम इसमें ऐड करते हैं ग्वार फली। साथ ही साथ कुछ मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 स्पून सॉल्ट। इसको ढक के हम ऑलमोस्ट 3 मिनट्स तक कुक करेंगे। अब इसमें हम डालते हैं ग्रेटेड कोकोनट और थोड़ा सा कोरिएंडर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको ढक के 2 मिनट तक कुक करेंगे। चलिए हम इसको अब चेक करते हैं। एक कुक हो चुका है। चलिए मैं अब इसको सर्व करके बताती हूँ। देख सकते हो ग्वार फ्राई विथ प्रॉन्स इज रेडी। एक कोंकण रेसिपी है, प्लीज ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। यू कैन सर्व विथ हॉट राइस या तो रोटी के साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। जो सी फूड लवर्स है प्लीज ट्राई कीजिए इसको। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ ही साथ क्लिक ऑन बेल आइकन। जो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर का खाना खाइएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।